बाहर कंट्री से आके अब बिग बॉस के घर को रूल करेंगे जद्दादिद, क्योंकि जो विशेष अधिकार पांच लोगों को मिला था जीतने के बाद, अभी पूरे घर वालों ने मिलके जो है जद्दादिद का नाम लिया है कि वो कैप्टन बनने चाहिए, और अब कैप्टन जो है जद्दादिद बन चुके हैं और बिग बॉस ने कंग्रेचुलेशन भी बोल दिया है। एक पॉइंट मुझे पूजा भट्ट का यहाँ पर बहुत अच्छा लगा, जो कि मुझे एक्चुअली पूजा भट्ट की बातें अच्छी नहीं लगती है और मैं तो आप लोगों को बोलती रहती हूँ कि जैसे कि मनीषा, अभिषेक और जो आकांक्षा और जिया है, ये लोग नॉमिनेटेड है, अगर ये इन तीनों में से भी कोई नाम लिया जाता है या कुछ मतलब कि होते हैं कि हाँ चलो ठीक है ये इनको बना दो कैप्टन की, अच्छा कैप्टनसी करेंगे ये, पर वो कल अगर चले गए तो ये फिर प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं, इसीलिए उनको नहीं बनाएंगे। मनीषा और जद्दादिद में से गया तो इसीलिए जो है जद्दादिद को बना दिया। मनीषा को भी ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, पर होना चाहिए था मनीषा को अपने आप को पिच करना चाहिए था। वहीं पर जो है अभिषेक ने एक्चुअली में इस चीज को छोड़ ही दिया, अभिषेक ने पहले ही छोड़ दिया कि यार मैं नहीं बनना चाहता हूं क्योंकि मैं ये काम दे दे के ना बोर हो चुका हूं, मेरा सर दर्द हो रहा है। अभिषेक जो है इनके साथ अभी ज्यादा किचकिच नहीं करना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो कुछ टाइम के लिए रेस्ट भी माइंड को चाहिए होती है, क्योंकि अभिषेक जो है वीकेंड के बाद का फिर से इंतजार कर रहे हैं कि भाई कितने सारे नए डोज मिलेंगे, उसके बाद फिर से वो रेडी होंगे। इस बार जो है कहीं ना कहीं सलमान खान चलो डांटेंगे तो डेफिनेटली डांटेंगे अभिषेक को, सबको डांटेंगे, पर मोटिवेट भी कहीं ना कहीं अभिषेक को करना चाहिए मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अभिषेक ये डिजर्व करता है सलमान खान की तारीफ। आपका क्या कहना है आप भी बताइए, अभी घर कैसा चलेगा हम आपको बताते रहेंगे। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।